यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं बैठा जिसे सब मालूम है, सब पता है। कई लोग लाए जाते हैं किडनैप करके और वो कहते हैं तू ले तो चल, पर मुझे सब पता है, मैं सब जानता हूँ, है ना? ऐसे ही होता है ना? ऐसे कितने लोग हैं जो शाहरुख खान साहब को जानते हैं, सभी जानते हैं, है ना? मूवी देखी है, अभी एक मूवी आई है जवान, धमाकेदार मूवी है, जानते हैं ना? सिर्फ जानते हैं, कुछ पता नहीं है उनके बारे में, सिर्फ नाम सुन रखा है। हमें ये नहीं पता, हमें ये पता होगा मन्नत कोई जगह है, उसमें रहते हैं, हमें पता है कितने कमरे हैं उसमें, इस मूवी के अलावा वो और कितने बिजनेस रन करते हैं शाहरुख खान साहब, पता है आपको? पता है कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट किया हुआ, पता है? क्या पता है? शाहरुख खान साहब को जानते, पता है, ढेरा नहीं पता, कुछ नहीं पता। ऐसे लोग डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बोलते हैं मुझे सब पता है, कुछ नहीं पता, क्योंकि जिसको पता है वो वहां नहीं बैठेगा, वो यहाँ खड़ा हो जाएगा। यस सुनो, ज्यादा देर नहीं रुकेगा वो, उसको आना ही पड़ेगा मंच पे बताने कि मुझे ये पता है। और कईयों को लग रहा होगा मुझे सब पता है, मुझे भी सब नहीं पता, हेलो मैं भी सीख रहा हूँ। तो कितने लोग हैं जो लर्निंग मोड में है, सीखने के मोड में, जो लर्निंग मोड है वो चेक कैसे होगा? डायरी पेन होती है उसके पास, बस जो डायरी पेन लाया है वो लर्निंग मोड में है, बाकी सब सत्यनारायण की कथा में उपस्थित है। शर्मा जी आएंगे, कथा प्रवचन करेंगे, उसके बाद भोग प्रसाद होगा और सब अपने घर, सब मोह माया है। नहीं, आगे से नए साथियों से मैं कुछ नहीं कह रहा, वो आपकी गलती नहीं है, पर जो ऑलरेडी ज्वाइन है, ज्वाइन कितने सब, ये लोग डायरी पेन ले आया करो, बाकी नए की मर्जी है, लाए ना लाए। अच्छा, यहाँ जब एंट्री हुई तो कुछ लोग डांस कर रहे थे, तालियां बजा रहे थे, और नए आदमी को ये डांस और तालियों में दिक्कत होती है, होती है? अच्छे पागल हैं, ताली बजा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, और फिर अंदर ही अंदर बोलता है वो कि क्यों नहीं नाचेंगे, पैसे जो आते हैं। ये नहीं नाच रहे भैया, इनका पैसा नाच रहा है। कितने लोगों को लगता है, मुझे भी लगता था जब मैं शुरू में गया था, पर यहाँ एक चीज समझ में आई कि इन्होंने डांस किया है ना तो पैसा आया, इन्होंने तालियां बजाई हैं तो पैसा आया, ये एक्साइटेड रहे तो पैसा आया। ऐसा नहीं है कि ये पैसा आ गया था तब एक्साइटेड हुए थे, ये तब भी एक्साइटेड थे जब पहले दिन इन्होंने फार्म भरा होगा, ये तब भी एक्साइटेड थे जब किसी पहले आदमी को प्लान दिखाया होगा, और एक्साइटमेंट आदमी की तरफ सारी चीजें एक्साइटमेंट वाली आ जाती है। प्रूफ करूं? Yes. करूं क्या? Yes. इस दुनिया में दो चीजें हैं, एक है खुशी, एक है गम, है? Yes. तो जब खुशी होगी तो वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होगी? जहां ऑलरेडी खुशी होगी। Yes. और गम किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा? जहां ऑलरेडी गम होगा। सहमत है? Yes. सहमत है? Yes. आपके कंधे में चोट है तो जो भी आएगा किस कंधे पे हाथ मारेगा? हाँ भाई साहब, क्या उसको पता था इस कंधे में चोट लगी है? पर वो हाथ उसी कंधे पे क्यों आया? हेलो, इस दुनिया में खुशी, पैसा, सुख, समृद्धि, गम सब तैर रहे हैं, आएगा किसके पास? इसका एंटीना उसके अकॉर्डिंग सेट है। आया ना? आपने ये सुना है ना, पैसा पैसे को खींचता है, किस किस ने सुना है? पैसा पैसे को नहीं खींच रहा, उसका एंटीना सेट है, उसकी तरह पैसा आ रहा है। आया ना? अगर गाजियाबाद में आपका कोई रिश्तेदार है तो आप किसके घर में रुकोगे जो आप जैसा होगा? आप पैसे वाले हो तो किसके घर में रुकोगे? आप किसी धर्म को या उस तरह के कोई संत टाइप उसको मानते हो तो किसके घर में रुकोगे? आप गरीब हो तो किसके घर में रुकोगे? आप दुखी हो तो किसके घर में रुकोगे? क्यों रुकोगे पता है? दुखी दुखी से मिलके दुख बढ़ा देता है, और खुशी खुशी से मिलके खुशी बढ़ा देता है। तो यहाँ तालियां क्यों बजाई जाती हैं? क्यों बजा रहे ताली? अच्छा, कुछ लोग बजा नहीं रहे तो खुशी देख के भाग जाएगी। हेलो, इतना एक्साइटेड रहो कि खुशी जब भी आए तो इतना सूटेड बूटेड रहो कि आके चेक करे और वहीं वहीं रुक जाए कि ये वो आदमी है जो खुश है। Yes.
हेलो यस, क्योंकि सिस्टम क्या है, आप जो बनना चाहते हो उसका अभिनय करना पड़ेगा, उसकी एक्टिंग करनी पड़ेगी आपको। हम बनना क्या चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, और हम एक्टिंग कौन सी करते हैं, हमारी बातें कौन सी होती हैं। हेलो yes. आप बोलो भाई साहब एक एक्सीडेंट हुआ ऐसे, सो अरे भाई साहब आप क्या बात कर रहे हो, इससे बड़ा मैंने देखा है। क्या बात कर दी आपने, इससे बड़ा। एक और तीसरा बोलेगा अरे तुम दोनों छोड़ो, इससे बड़ा मुझे पता है। कौन सी चर्चाएं करते हैं हम, हमें हर हाल में क्या रहना होगा, हमारा ड्रेसिंग ऐसा होना चाहिए कि कोई ये ना बता सके कि बिस्टिक लीडर कौन है। yes. सीधा सिंपल बात है, क्योंकि आप देखना क्या होता है, दिखाऊं थोड़ा सा ड्रेस के ऊपर। yes. फिर मैं सेमिनार शुरू करूंगा, पहले मैं ड्रेस ठीक कर लूं। एक ऐसा व्यक्ति जिसने टाई नहीं पहनी वो खड़ा हो एक बार, जिसके टाई नहीं लगी हुई, जॉइन है सही है, सर के टाई नहीं लगी हुई, एक बार आ सकते हैं आप बैठिए। एक ऐसा व्यक्ति जिसको टाई लगी हुई है, कोट ना पहना हो टाई पहनी हो बस, आ जाओ एक बार आ जाओ, अपने आप चेक कर लेना। एक ऐसा आदमी जो टॉप टू बॉटम टोटल आरसीएम हो, जूते जुराब मोजे अंडरगारमेंट्स टाई बेल्ट कोट शर्ट सब कुछ, ठीक है सब ओके। yes. अगर आपको जुड़ना हो तो किसके साथ जुड़ेंगे, ईमानदारी से किधर किधर जुड़ेंगे, उधर इधर किधर इधर जुड़ेंगे yes. पक्का yes. अपने बारे में क्या ख्याल है, क्यों हम क्यों नहीं जुड़ पा रहे लोगों को, क्यों नहीं अट्रैक्ट कर पा रहे हम लोगों को। लुक लाइक ए बिजनेसमैन, क्योंकि ये बिजनेस है और हम इसको बिजनेस मान ही नहीं पाए अब तक, इसलिए बिजनेसमैन नहीं बन पाए, इसलिए पैसे नहीं कमा पाए। यस नो yes. और हमारे पास एग्जांपल भी वही है, लुटे पुटे, सर हम जुड़े थे हम मर गए, सर हमारा तो बर्बाद हो गया, बस कैसे हुआ बर्बाद, कैसे हुआ, काम ही नहीं किया, आया ना yes. तो अगर आपसे मैंने पूछा किसके साथ जुड़ेंगे तो आपने ड्रेस कोड की तरफ इशारा किया yes. अपने बारे में क्या ख्याल है, राइट सर yes. आगे से कौन सी ड्रेस में रहेंगे आप, फुल ड्रेस कोड, एसी लगवाया गया है इस वेन्यू में, क्या आपके पास कोई एक्सक्यूज ना रहेगा, सर कोट पहन के तुमने मरवा दिया हम गर्मी में। हेलो yes. और दोस्तों मैं गर्मी में भी मरा हूं पर मैंने कोट नहीं उतारा, पर आज सीन बदल गया, वेन्यू एसी हो गया, गाड़ी एसी हो गई, घर एसी हो गया yes. ये सब कुछ बदलता है अगर आपने अपने आप को बदल लिया तो। कितने लोग बदल लेंगे, अब भी नहीं बदलेंगे तो फिर दूंगा एक और एग्जांपल। कितने लोगों ने आलू देखा है, अच्छा देखा ही है, बनाया भी है कभी, बनाया भी है। एक आलू की कीमत क्या मान रहे हो आप, 20-30 रुपए किलो रेट होगा, तो उसमें से एक आलू उठा लो 150 ग्राम का तो कितना, 2-3 रुपए का yes. है ना, ये 2 रुपए का आलू, राइट सर yes. ये अपने ऊपर छुरियां चलवाता है, क्या चलवाता है yes. फिर इसको कढ़ाई में डाला जाता है yes. फिर इस पर मसाले डाले जाते हैं yes. अत्याचार हो रहा है इसके साथ। हेलो yes. कीमत बढ़ रही है, अत्याचार नहीं। हेलो yes. yes. और फिर ये कोट पैंट पहन लेता है और ये आलू की चिप्स इधर आ जाती हैं और इस कोट पैंट में लिखा होता है लेज yes. हमसे ज्यादा समझदार आलू है, उसे पता है कि पैकेजिंग का जमाना है yes. किसका जमाना है, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है, आया ना yes. ये 20 रुपए के पैकेट में 2 रुपए का ही आलू है, 18 रुपए की तो हवा भरी हुई है yes. 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 सोच के देखो, ये चिप्स हमने घर में भी तो बनाए, हमारी माँ ने हमारी दादी ने नहीं बनाई क्या yes. आलू की चिप्स नहीं बनाई क्या yes. फिर क्यों पैकेट वाली खा रहे हैं हम, पैकेजिंग का जमाना है। तो पैकेजिंग किसकी चेंज करनी पड़ेगी, शोरूम क्या है इसमें, शोरूम है, ये शोरूम क्या है, खुद ये कोई सामान झोले में भर के बेचने का बिजनेस नहीं है। कईयों को लगता है सर हम थैला लेके जाते हैं ना, ये इसको बेचने का है। पैकेजिंग किसकी ठीक होनी चाहिए, कितने लोग सहमत हैं, अगली बार आ जाएंगे yes. किसमें,
पहले तो हॉल में आ जाइयो देवता, फिर है ना वो तो ड्रेस बुलाता है। आप में से कितनों के बच्चे हैं जो स्कूल में पढ़ते हैं और कितनों के विदाउट ड्रेस जा रहे हैं स्कूल? डे वन आप स्कूल की ड्रेस दिलवा देते हो, दो तरह की है, तीन तरह की है, चार तरह की है, कितनी तरह की ड्रेस हो डे वन दिलवाते हो। क्यों दिलवाते हो? कुछ बन जाए, कुछ इसका भी अपने बारे में क्या ख्याल है बापू? हेलो, बदल लेंगे साहब। कितने लोग? एक आदमी बदल गया तो मेरा आना यहाँ सफल हो जाएगा। मैं आगे चलता हूँ, चले आगे।